समर आप सबका स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल फैमिली गुरु में। दोस्तों, हिंदू धर्म में बहुत सारे देवी और देवताओं को पूजा जाता है। श्री कृष्ण और देवी राधा को भी हिंदू धर्म में विशेष स्थान मिला हुआ है। ऐसा कहा जाता है कि श्री कृष्ण भगवान विष्णु का अवतार है, वहीं देवी राधा लक्ष्मी जी का स्वरूप है। राधा और कृष्ण के अलौकिक प्रेम से जुड़ी कई कहानियाँ प्रचलित हैं। इन दोनों की प्रेम कथा पर कई फिल्में और टीवी सीरियल गढ़े गए। इन सभी में जहां एक तरफ राधा और कृष्ण की प्रेम लीलाओं को दिखाया गया, वहीं दूसरी तरफ राधा और कृष्ण के बिछड़ने को भी नज़रअंदाज नहीं किया गया। श्री कृष्ण और राधा की प्रेम कहानी पर कई टीवी सीरियल बने हैं। इन्हीं में से एक है राधा कृष्ण, जिसकी प्यार भरी कहानी आज भी लोगों के दिल और दिमाग पर छाई हुई है। इस टीवी सीरियल में श्री कृष्ण और राधा की प्रेम कहानी को बड़े ही सुंदर तरीके से दिखाया गया है। हालांकि इसमें एक मोड़ वो भी आया जहां पर श्री कृष्ण और राधा का ना तो विवाह हुआ और साथ ही उन्हें एक दूसरे से अलग भी होना पड़ा। वास्तव में भी राधा कृष्ण से जुड़ी कथाओं में यही सुनने को मिलता है कि राधा और कृष्ण ने एक दूसरे से कभी विवाह नहीं किया था। मगर सभी ये भी जानना चाहते हैं कि आखिर ऐसी क्या वजह थी जो राधा और कृष्ण का विवाह नहीं हुआ। दोस्तों, अगर राधा कृष्ण सीरियल की बात करें तो शो की शुरुआत में ही दिखाया गया था कि भगवान श्री कृष्ण के परम भक्त श्री धामा जब उनके दर्शन के लिए गोलोक पहुंचे थे तो वहां अपने आराध्य को पुकारते हैं। बहुत पुकारने पर भी उन्हें श्री कृष्ण के दर्शन नहीं होते हैं। तब वह नारद जी के पास जाकर इसकी वजह पूछते हैं। नारद उन्हें बताते हैं कि आप अधूरा नाम ले रहे हैं। गोलोक में श्री कृष्ण से पहले आपको श्री कृष्ण प्रेमिका राधा रानी का नाम लेना होगा। श्री धामा को नारद मुनि की बात समझ नहीं आती है, लेकिन वो किसी भी तरह से अपने आराध्य के दर्शन पाना चाहते होते हैं, इसलिए उन्हें भोग में माखन चढ़ाते हैं। मगर जब श्री धामा देखते हैं कि राधा उन्हें अपना झूठा माखन खिला रही है तो उन्हें गुस्सा आ जाता है। इसे लेकर वो भी कृष्ण जी से पूछते हैं कि प्रेम और भक्ति में क्या श्रेष्ठ है। तभी श्री कृष्ण अपने भक्त को द्वारपाल बनाकर आराम करने चले जाते हैं और वहीं पर सोचते हैं कि प्रेम और भक्ति में क्या श्रेष्ठ है। श्री कृष्ण को जब कुछ समझ नहीं आता तो वो राधा को याद करते हैं और राधा भी उनके पास दौड़ी चली आती है। मगर श्री धामा उन्हें अंदर नहीं जाने देते, जिस वजह से दोनों में तर्क वितर्क यानी काफी बहस होती है। जैसे ही राधा श्री कृष्ण के कमरे में प्रवेश करने वाली होती है, श्री धामा उन्हें 100 साल तक श्री कृष्ण को भूल जाने और मृत्यु लोक में रहने का श्राप दे देते हैं। श्री धामा के श्राप के बाद राधा को पृथ्वी लोक जाना होता है। श्री कृष्ण भी अपनी राधा से मिलने के लिए पृथ्वी पर जन्म लेते हैं, मगर राधा को गोलोक का कुछ भी याद नहीं होता। अब भले राधा को गोलोक के बारे में कुछ भी याद नहीं होता है, मगर श्री कृष्ण उन्हें कभी सपने में तो कभी अपनी आंखों में गोलोक के दर्शन कराते रहते हैं। राधा को भी श्री कृष्ण से प्रेम हो जाता है, मगर राधा के बाल सखा और महापंडित उग्रपद के बेटे आयान को भी राधा से प्रेम होता है। वो राधा को हासिल करने के लिए श्री कृष्ण को मारने का प्रयास करता रहता है। राजा कंस के साथ मिलकर वो श्री कृष्ण को राधा से दूर करने के लिए एक के बाद एक असुर बुलाता है, मगर राधा कृष्ण को अलग नहीं कर पाता है। तभी एक घटना के दौरान राधा के पिता को अपने परम मित्र उग्रपद को वचन देना होता है कि वह जीवन में एक बार उग्रपद की किसी एक मांग को जरूर पूरा करेंगे और मौका आने पर उग्रपद अपने बेटे आयान का विवाह राधा से करने की बात रखते हैं। मगर राधा के पिता राधा का विवाह श्री कृष्ण से ही कराना चाहते हैं और अपना वचन पूरा नहीं कर पाने के लिए वह संन्यास लेने की घोषणा करते हैं। तभी श्री कृष्ण को गोलोक में श्री धामा द्वारा राधा को दिया गया श्राप याद आता है। श्री कृष्ण इस बात का जिक्र राधा से करते हैं और विवाह ना करने की बात रखते हैं। इसके साथ ही वो राधा को पुत्री धर्म निभाने के लिए भी कहते हैं। राधा अपने पिता का मान रखने के लिए श्री कृष्ण की जगह अपने बाल सखा आयान से विवाह कर लेती है
और श्री कृष्ण भी अपना कर्म करने के लिए वृंदावन से मथुरा चले जाते हैं। इस तरह राधा और कृष्ण कभी भी एक दूसरे से विवाह नहीं कर पाते हैं, लेकिन आज भी राधा के बिना कृष्ण अधूरे हैं, इसलिए हम हमेशा बोलते हैं जय श्री राधा कृष्ण। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी हमें ज़रूर बताएं। साथ ही बने रहें हमारे चैनल के साथ। धन्यवाद।